यस स्टूडेंट, चलिए बात कर लेते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात यह है कि इस साल ये जो सेशन है, इस सेशन के अंदर आप लोगों के फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे जो हैं आप लोगों के पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है चैप्टर में से। जितने भी केमिकल रिएक्शंस है कार्बन से रिलेटेड, वो सारी केमिकल रिएक्शंस भी आप लोगों के हटा दी गई है। सोप और डिटर्जेंट भी आप लोगों के हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा इसका जनरल नोमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अगर क्वेश्चन जो है अगर एल्कीन या एल्काइन या एल्कीन से रिलेटेड भी आ जाए तो आप लोग उस चीज़ को अटेन कर सको, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप तक के लेवल अपन नहीं जाएंगे स्टूडेंट्स, और नॉर्मल केवल बहुत कम जो कंपाउंड्स हैं उन्हीं कंपाउंड्स को लेते हुए अपन यहाँ पर कुछ नोमेनक्लेचर करेंगे। चलिए अपन देख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं इसके रूल्स की, इसके अंदर रूल्स क्या होता है। फर्स्ट रूल होता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर अकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को आपको सेलेक्ट करना है। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। देन उसके बाद सेकंड, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम की नंबरिंग करेंगे, है ना। और जब अपन नंबरिंग करेंगे स्टूडेंट्स तो प्रिफेर या उस कार्बन को प्रिफेर करेंगे जहां पर कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको लोवेस्ट नंबर देने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर अपन देखेंगे अभी, है ना। देन उसके बाद यहां अपन देखते हैं इसके अंदर सेकेंड इसका फॉर्मूला। यहाँ पर आप लोगों को बस स्टूडेंट ये दोनों ही रूल्स जो है थोड़े से इसको याद रखने हैं। अब अपन क्या करते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं, इसका क्या फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला स्टूडेंट इसका ये बनेगा, सबसे पहले नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट के नेम आपको लिखने हैं। सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं अभी आप देखे जाइए, धीरे धीरे आप लोगों को कंफर्म कंप्लीट हो जाएगा सारा सब कुछ। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट आपको लिखना है स्टूडेंट्स। अच्छा, इससे पहले अगर ये सब्स्टिट्यूट कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, अगर दो हो तो उसके लिए डाई लगा सकते हैं, तीन हो तो उसके लिए ट्राई लगा सकते हैं, चार हो तो उसके लिए टेट्रा यूज करेंगे, पांच हो तो पेंटा भी यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब अपन बात करते हैं नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट के बाद में। अब आपको क्या करना है, रूट चेन, कार्बन की जो रूट चेन होगी, जो लॉन्गेस्ट चेन होगी, जिसमें नेम जो कार्बन होंगे स्टूडेंट्स उसको अपन लेकर आएंगे, उस रूट चेन को अपन लिखेंगे। देन उसके बाद अपन क्या करेंगे यहां पर सफिक्स यूज में लेंगे। सफिक्स क्या ले सकते हैं अपन, ए एन ई ले सकते हैं, ई एन ई ले सकते हैं, वाई एन ई ले सकते हैं, यानी अगर एल्केन होगा तो ए एन ई यूज में लेंगे, एल्कीन होगा तो ई एन ई यूज में लेंगे, और वाई यानी एल्काइन होने पर यूज में लेंगे। देखिए स्टूडेंट बस एक सिंपल सा ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज में लेते हुए अपन क्या करेंगे नोमेनक्लेचर करेंगे। चलिए मैं आप लोगों को आपको बता देता हूं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कंपाउंड है स्टूडेंट कुछ इस तरह का है, 1 2 3 4, देन उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं यहां पर ये CH3, यहां पर भी CH3, यहां CH3 हो गया, यहां H हो गया, यहां पर भी H हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए आपको ये एक कंपाउंड दे रखा है, अब अपन को क्या करना है, इन फॉर्मूले का यूज लेना है, इन रूल्स का यूज लेना है और इस फॉर्मूले का यूज लेना है, और आपको क्या बनाना है स्टूडेंट, इसका नाम बनाना है, इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना है, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। लॉन्गेस्ट चेन यानी कि अगर मान लीजिए अपन ये चेन लेते हैं 1 2 3 4, तो इसमें कितने कार्बन हो रहे हैं स्टूडेंट, 4 कार्बन हो रहे हैं। यहां से जाते हैं 1 2 3 4, तो यहां पर भी कितने हो रहे हैं स्टूडेंट, 4 कार्बन हो रहे हैं। यहां से
जाते हैं 1 2 3 4, फोर कार्बन हो रहे हैं, यहां से जाते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए स्टूडेंट, आप चाहे किसी भी कार्बन के चेन को ले लो, बस आपको क्या याद रखना है कि कंटिन्यूसली कार्बन आने चाहिए, कार्बन 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 आने चाहिए, बीच में कोई अदर एलिमेंट ना आ जाए। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, सबसे सिंपलेस्ट इसी कार्बन की चेन को ले लेते हैं। अब कार्बन की चेन को लेने के बाद अपन ने उसको बंद कर दिया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसकी नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम, यानी कि कार्बन एटम की नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या करना है, प्रेफर उस कार्बन को देना है जहां से कोई सब्स्टिट्यूट पहले आए, है ना, या जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो, इस पोजीशन के अंदर अगर अपन बात करते हैं यहां से, अच्छा स्टूडेंट देखो, सब्स्टिट्यूट होता क्या है कि यहां पर ये जो कार्बन की चेन है, उस कार्बन की चेन के बाद में अगर कोई कार्बन आता है, अगर उस कार्बन की चेन के अंदर अगर कोई कार्बन नहीं आ पाया है, तो वो सभी क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूट कहलाते हैं। तो इसीलिए यहां पर दो सब्स्टिट्यूट है, CH3 और CH3, दो सब्स्टिट्यूट है यहां पर। तो यहां पर स्टूडेंट आप देख रहे हो कि एक लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन का सिलेक्शन हो गया है और दो सब्स्टिट्यूट भी आपको मिल चुके हैं। अब आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग करते टाइम पर उस कार्बन को लेस नंबर मिलने चाहिए जहां पर कि कोई सब्स्टिट्यूट है। तो अपन बात करते हैं, जैसे अगर मैं यहां से नंबरिंग देता हूं तो मैं इसे कह देता हूं ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, है ना। तो अब यहां से देखिए स्टूडेंट, वैसे इसके अब यहां पर अगर अपन देखते हैं स्टूडेंट, तो यहां पर क्या होता है कि 1 2, दूसरे नंबर वाले कार्बन पर क्या आ चुका है, एक सब्स्टिट्यूट आ चुका है। अगर मैं यहां से नंबरिंग देता 1 2 3 4, तब भी क्या होता, 2 नंबर के ऊपर सब्स्टिट्यूट आ चुका होता। तो अपन यहां से या यहां से नंबर दे, इस केस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहां पर अपन देखते हैं, यहां 3 दे देते हैं, यहां पर 4 दे देते हैं। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको इसका नेम लिखना है इस फॉर्मूले के थ्रू। आप देखते हो सबसे पहले क्या लिखना है अपन को, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट ये क्या है, CH3, है ना। अब मैं आप लोगों को एक रूट चेन के बारे में बताता हूं स्टूडेंट्स। होता क्या है कि अगर रूट चेन के अंदर केवल एक कार्बन होता है तो उसको अपन बोलते हैं मीथेन, या केवल मैथ बोल सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर दो कार्बन होते हैं, कार्बन कार्बन की चेन, जैसे 1 और ये 2, 2 कार्बन होंगे तो उसको अपन बोलेंगे स्टूडेंट ईथ, एथ। और देन उसके बाद 3 होंगे तो उसको अपन बोलेंगे प्रोप, 4 होने पर अपन बोलेंगे ब्यूट, 5 होने पर अपन बोलेंगे उसको पेंट, 6 होने पर उसको अपन बोलेंगे स्टूडेंट हैग्स, 7 होने पर उसको अपन बोलेंगे हैप्ट, ठीक है ना। इसी तरह से अगर 8 हो जाएंगे तो उसको अपन बोलेंगे स्टूडेंट ऑक्ट, 9 होने पर उसको बोलेंगे नॉन, और 10 होने पर उसको बोलेंगे स्टूडेंट डेक, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन इनको एक बताते हैं। अच्छा एक और बात स्टूडेंट आप लोगों को याद रखना है, अगर आप देखते हो कि यहां पर ये क्या है स्टूडेंट्स, एक सब्स्टिट्यूट है, और एक सब्स्टिट्यूट में कार्बन कितना है, केवल 1 कार्बन है। 1 कार्बन होने पर यूज में क्या आता है, मैथ। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट होता है तो मैथ के आगे YL लग जाएगा। अगर एक सब्स्टिट्यूट होता है या कार्बन जो है वो सब्स्टिट्यूट के अंदर है और केवल एक ही कार्बन है तो मैथ होना चाहिए था, लेकिन YL लग जाता है। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट का बन जाएगा स्टूडेंट्स। इसके लिए ये हो गया मैथ, इसकी वजह से क्योंकि एक कार्बन है तो हो गया मैथ, लेकिन YL लगेगा क्यों, क्योंकि यहां पर सब्स्टिट्यूट है ये, तो ये YL हो जाएगा तो क्या बन गया मिथाइल, ये क्या बन गया स्टूडेंट मिथाइल। अब आप देखते हो ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूट है, और ये दोनों सेम है क्योंकि ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं इसीलिए अपन क्या यूज में ले सकते हैं, डाई। तो अपन यहां पर यूज में ले सकते हैं स्टूडेंट डाई, ठीक है ना। तो डाई मिथाइल, लेकिन अब ये डाई मिथाइल है कहां पर, इनकी पोजीशन क्या है, वो कौन से नंबर वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो आप देख रहे हो 2 और 3 नंबर के कार्बन पे जुड़े हुए हैं, तो अपन लिखते हैं 2, 3, एक तो 2 पे जुड़ा हुआ है, दूसरा 3 पे जुड़ा हुआ है, 2, 3 डाई मिथाइल। यानी कि आपने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, इसका नाम तो लिख दिया, अब क्या बचा है आपके पास, ये,
ठीक है ना। तो अब देखिए इसके अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन पर क्या आ जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट, ब्यूट, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं ब्यूट। अब यहां पर क्या होगा, अब आपको ये देखना है कि जब कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड अगर सिंगल है तो आपको सफिक्स क्या लगाना है, ANE, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ब्यूटेन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, दैट इज क्लियर। चलिए अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं स्टूडेंट्स, जिसके अंदर आप लोगों को ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने दो एग्जांपल्स है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब अपन क्या करते हैं, इनका नोमेनक्लेचर करते हैं बिल्कुल इसी स्टेप को फॉलो करते हुए। सबसे पहले क्या करना है, अपन को लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन का सिलेक्शन करना है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, दो तरह से 5 आ रहे हैं। अगर अपन लॉन्गेस्ट कार्बन, यहां पर क्या लिखा है मैंने, C2H5, यानी कि दो कार्बन है स्टूडेंट्स यहां पर एक साथ, तो मींस क्या हुआ, यहां पर आपको दो कार्बन को काउंट करना पड़ेगा। तो यहां क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये 1 and 2 3 4 5, ये 2 3 4 5, चाहे आप यहां से जाइए स्टूडेंट्स तब भी क्या हो रहा है, 5 कार्बन आ रहे हैं। चाहे आप यहां से जाइए तब भी क्या आ रहा है, 5 कार्बन आ रहा है। चाहे आप यहां से जाइए स्टूडेंट्स तब भी क्या आ रहा है, 5 कार्बन आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स अपन क्या करेंगे, इसके अंदर ये वाली कार्बन की चेन सिलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे स्टूडेंट्स, इसकी एक वजह है। ये वजह है क्योंकि अगर मान लीजिए अपन ये नहीं करते, अगर ये नहीं करते और उसके कंपेयर में अगर मान लीजिए अपन ये कर लेते तब भी क्या होता, 5 हो जाता। जैसे यहां पर अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये वाली कर लेते हैं तो 2 और 1 3 4 5, यानी 5 हो गए कार्बन। लेकिन स्टूडेंट यहां पर सब्स्टिट्यूट केवल एक, ये पूरा सब्स्टिट्यूट रह जाता, तो मतलब एक ही सब्स्टिट्यूट आता। लेकिन अगर मान लीजिए आपने क्या किया है स्टूडेंट्स, अगर आपने इस कार्बन की चेन को ऐसे सिलेक्ट ना करके, अगर आपने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, अगर कार्बन की चेन को आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लिया, तो एक सब्स्टिट्यूट ये आ जाएगा, दूसरा सब्स्टिट्यूट ये आ जाएगा। तो जहां से आपको ज्यादा सब्स्टिट्यूट मिलेंगे, सेम चेन आने पर जहां से ज्यादा सब्स्टिट्यूट मिलेंगे उस कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को आपको सिलेक्ट करना है। तो इसीलिए मैंने इस तरह से यहां पर इसको सिलेक्ट कर लिया है। चलिए अब मुझे क्या करना है, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। देखिए अगर मैं यहां से नंबर देता हूं 1 2 3, 3 नंबर पर कोई सब्स्टिट्यूट आएगा। यहां से नंबरिंग देता हूं 1 and 2, यानी कि 2 नंबर पर ही आ गया है, ठीक है ना। तो यहां से जाने पर तीसरे नंबर पे आ रहा है, यहां से जाने पर सेकंड नंबर पर ही आ रहा है। तो क्या कम नंबर, कम कौन सा हुआ, सेकंड कम हुआ, 3 जो है वो ज्यादा है, सेकंड क्या है, कम है। तो लोवेस्ट नंबर को अपन को क्या करना है स्टूडेंट, प्रायोरिटी देनी है। तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, यहां से नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4 and 5। चलिए नंबरिंग भी हो गई, अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज लेना है। सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, सब्स्टिट्यूट का। यहां पर दो सब्स्टिट्यूट है स्टूडेंट, एक तो है CH3 और एक क्या है C2H5। देखिए जब कार्बन 1 होता है, यानी कि सिर्फ एक कार्बन होता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, मेथ। और अगर 2 होता है तो उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एथ। एम और ई, यहां पर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले कौन आना चाहिए स्टूडेंट, ई पहले आना चाहिए। तो अपन ने यहां पर लिख दिया एथ,
ठीक है ना। और मैंने अभी आप लोगों से कहा था कि अगर सब्स्टिट्यूट है तो बाद में क्या लगाना पड़ेगा, YL, तो क्या बन जाएगा ये इथाइल, ठीक है ना। अब उसके बाद ये है कौन से नंबर पर, इसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी, तो यहाँ पर अपन लिखते हैं 3, तो ये क्या हो गया 3 इथाइल। देन उसके बाद दूसरा सब्स्टिट्यूट कौन सा है, M, मैथ, और मैथ कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो आपने लिखा 2। देन उसके बाद आप उसका नाम लिखोगे मैथ, और मैंने कहा था कि अगर सब्स्टिट्यूट है तो वाई एल लगाना पड़ेगा, तो क्या हो गया मिथाइल, यानी कि 3 इथाइल 2 मिथाइल। फिर उसके बाद इस कार्बन की, यानी कि ये तक का आपका काम कंप्लीट हो गया है। अब रूट चेन को लेकर आना है, रूट चेन में कितने कार्बन है, 5, तो 5 को अपन क्या लिखते हैं स्टूडेंट, पेंट, तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे पेंट। और क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड कौन से हैं सिंगल, तो अपन सफिक्स कौन सा लगाएंगे स्टूडेंट्स, एन, तो यानी कि क्या हो जाएगा पेंटेन, तो ये इसका नेम हो जाएगा स्टूडेंट 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। चलिए अब इसकी तरह अपन क्या कर सकते हैं, इसका नेम लिखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर देखिए 1 2 3 4, ठीक है ना, और यहां पर बात करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, यहां पर आप क्या कर रहे हो, 2 कार्बन एक साथ लिए हुए हैं, तो कार्बन की चेन कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा है, हो जाएगा इसका नेम एंड क्लेचर अब, तो ठीक है ना। नंबरिंग करेंगे तो यहां से करने पर 1 2 3, यानी इसे 3 नंबर मिल रहा है, इधर से जाने पर यहां से करेंगे तो 2 एंड 3 1 2 एंड 3, तो यहां पर भी जाने पर 3 मिल रहा है, तो किधर से भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए यहीं से कर देते हैं 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 4 5, यहां पर हो गया। तो अब यहां पर अपन देखते हैं सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट में कितने कार्बन है, 1, 1 कार्बन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट मैथ, तो अपन ने क्या लिख दिया यहां पर, ये अपन ने लिख दिया मैथ। और उसके बाद क्योंकि सब्स्टिट्यूट है तो आगे क्या लगाना पड़ेगा, वाई एल, पोजिशन क्या है इसकी 3, तो अपन ने लिख दिया 3 मिथाइल, और कार्बन कितने हैं 5, 5 के लिए क्या लेते हैं पेंट, 5 के लिए क्या यूज में लेंगे स्टूडेंट पेंट, और यहां पर क्योंकि सारे बॉन्ड कौन से हैं सिंगल, तो क्या आ जाएगा यहां पर ANE, पेंटीन, पेंटेन, ओके स्टूडेंट्स। चलिए तो ये हैं सारे वो वाले जिसके अंदर अपन ने ANE की बात की है। अब जल्दी से अपन एक एक एग्जांपल जो है इन दोनों के भी ले लेते हैं, जिसके अंदर ENE और YNE, यानी कि एल्कीन और एल्काइन के एग्जांपल भी अपन ले लेते हैं फटाफट से। चलिए स्टूडेंट देखिए ये दो एक एग्जांपल है आप लोगों के पास में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट ENE, यानी कि एल्केन आपको लेना पड़ेगा। अब आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले वही लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, प्रायोरिटी उस कार्बन को देनी है जहां पर कि डबल बॉन्ड आ रहा है, उसको लेस नंबर मिलने चाहिए। अगर मैं यहां से करता 1 2 3 4, तो 3 नंबर पर आता डबल बॉन्ड, लेकिन मैं यहां से करता हूं तो 1 नंबर पर ही डबल बॉन्ड आ गया है, तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स 1 2 3 एंड 4, तो इस तरह से क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे, देन इसके बाद इस फॉर्मूले के अंदर इसको लिख देंगे। आप लोग देखते हो सबसे पहले कौन सा नाम आना चाहिए, सब्स्टिट्यूट का, सब्स्टिट्यूट कौन सा है CH3, CH3 में कितने कार्बन होते हैं 1, 1 को क्या बोलते हैं मैथ, मैथ के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो गया मैथ, YL लग जाएगा आगे, ठीक है ना। पोजीशन बताओगे तो क्या हो जाएगा 3, तो 3 मिथाइल, फिर बाद में क्या है स्टूडेंट 4, तो 4 यानी कि क्या होता है स्टूडेंट ब्यूट, तो आपने क्या लिखा, ये आपने लिख दिया ब्यूट, ठीक है ना। अब क्योंकि यहां पर क्या है 1 नंबर पर क्या आ रहा है ENE, तो आपको इसको ऐसे करके लिखना पड़ेगा, ये 1 और ये ENE, ब्यूट 1 इन, तो क्या हो जाएगा इसका नेम 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसका नाम, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन का सिलेक्शन, यहां से क्या हुआ 1 2 3 3 नंबर पर कौन आ गया डबल बॉन्ड 1 2, तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये क्या बन गया
बन गया आपका सब्स्टिट्यूट। और यहाँ पर ये जो सब्स्टिट्यूट है वो इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन। एक कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, मैथ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसे लिखोगे मैथ। सबसे पहले आपने इसे लिख दिया, ये मैथ है, ठीक है ना। और ये जो मैथ है ये कितने नंबर पर है, फोर नंबर पर। तो आपने लिख दिया फोर मैथ। और क्योंकि सब्स्टिट्यूट है तो क्या लगाना पड़ेगा, वाई एल। तो क्या हो जाएगा, फोर मिथाइल। फिर उसके बाद पांच कार्बन की चेन है, तो रूट चेन क्या बन जाती है स्टूडेंट, पांच कार्बन पर पेंट। तो आपने लिख दिया यहाँ पर पेंट, ठीक है। देन उसके बाद अपन यहां पर देखते हैं, रूट चेन के बाद क्या आना चाहिए, सफिक्स आना चाहिए ई एन ई। तो यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ई एन ई किसकी वजह से आता है, ई एन ई आता है डबल बॉन्ड की वजह से। तो दूसरे कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो आप इसे ऐसे लिखोगे टू ए एन ई। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स है इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हो। चलिए अपन जल्दी से एक बार अब थर्ड यानी कि जो आपके ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं उसका देख लेते हैं एक बार। एक देखिए स्टूडेंट, जैसे ये एक एग्जांपल है आप लोगों के पास, यहाँ पर क्या आ गया, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ चुका है। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन का सिलेक्शन करना है, कर दिया। देन उसके बाद नंबरिंग करनी है, नंबरिंग में कार्बन को, उस कार्बन को लेस नंबर मिलने चाहिए जहां पर कि क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां पर क्या हुआ, वन, यानी कि वन पे आ गया, तो सबसे लेस यही होगा। अगर यहां से करता वन टू थ्री तो थ्री नंबर मिलते, तो यहां से क्या हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर। फोर नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट का नेम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूट का क्या है, मैथ। और क्योंकि क्या है, सब्स्टिट्यूट है, तो अपन यहां पे क्या लगा देंगे, वाई एल। पोजिशन बताएंगे तो क्या हो जाएगी, थ्री मिथाइल। देन उसके बाद क्या करेंगे, चार कार्बन। चार कार्बन को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ब्यूट। तो आपने क्या लिख दिया यहां पर, ये लिख दिया ब्यूट। और यहां पर ये वन, वन नंबर वाला लिखा अपन ने वन, और वन पर हो क्या रहा है, वाई एन ई। तो यहां पर आपने लिख दिया वाई एन ई। तो इस तरह से क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, आप लोग आसानी से किसी भी कंपाउंड्स के या किसी भी हाइड्रोकार्बन्स के, चाहे वो एल्कीन हो, एल्काइन्स हो या एल्केन हो, किसी का भी आप नोमेनक्लेचर बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो। ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। इस मेथड के थ्रू आप किसी भी तरह के एलिमेंट्स का, सॉरी किसी भी तरह के कंपाउंड्स का आप आसानी से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।